हो रही है कि अजीत मल कोतवाली क्षेत्र से मामला सामने आया, जहां सवारी को लेकर बस कंडक्टर के साथ झगड़ा मारपीट में बदल गया। सवारी को बस में बैठाना कंडक्टर को भारी पड़ गया। कुछ अराजक तत्व के लोगों द्वारा पहले तो चालक के साथ गाली गलौच और अभद्रता की, फिर दोनों पक्षों में गाली गलौच को लेकर बहस जमकर छिड़ गई। दोनों पक्षों में बहस बढ़ते कुछ स्थानीय लोग द्वारा समझौता करने का प्रयास किया गया। समझौते की जगह एक पक्ष ने कंडक्टर के ऊपर थप्पड़ बरसा दिए। आपका क्या नाम है? अमित कुमार पोरवाल। पिताजी का नाम? स्वर्गीय आनंद प्रकाश पोरवाल। कहाँ के रहने वाले? बीकेपुर चौराहा। जो आपके साथ घटना घटी एमआरपीट की, क्या पूरा मामला है? ये हम बस पे कनेक्ट्री करते हैं, जो तो कानपुर से जा रही थी गुड़गांव के। जी, वहाँ से चली मुरादगंज में पहुँची किराए पे जैसे। जी, तो वहाँ पे कुछ चार पांच लोग आए। जी, तो उन्होंने कि ड्राइवर गाली आ रही, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, गाली दिन तो क्या रोड है। तो ये लोग फिर मैंने रोका, पुल के नीचे पहुँचे ये लोग। उन्हें पहुँचने के बाद तुरंत ही गाड़ी लग, फिर गाली देने लगे। तो मैंने उनको रोका कि गाली क्यों दे रहे हो? तो गाली दे के फिर एकदम मारपीट करने लगे। तो ये घटना कितने तारीख की है? ये 28 तारीख की है, लगभग रात्रि शाम को 8:30 की घटना है। जी, लगभग 8:30 की घटना है, लगभग टाइम एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता एकदम। जी, 8:30 की घटना है लगभग। कहाँ की है ये? मुरादगंज तराई की घटना है, जो काव्या हाईवे पुल के नीचे घटना है। यहाँ मारपीट की है। जी, आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ जी, चौकी इंचार्ज को सूचना दी थी मैंने, उनको टैगिंग भी दी हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन या कोई अपराधी पकड़ा गया मुझे? कोई अभी तो कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। सोशल मीडिया में भीखेपुर थाना क्षेत्र अजीत मल का कुछ लोगों द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल है। इस संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 28 अगस्त 2024 की 9:30 बजे रात्रि में बस में एक पक्ष अपनी सवारी बिठाने आया था। बस परिचालक दीपक पोरवाल निवासी भीखेपुर थाना अजीत मल का टिकट को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी बात पर मुरादगंज भीखेपुर सर्विस रोड पर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई थी। इसका वीडियो एक यात्री ने बना लिया था। वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले कुल 4 युवकों को चिन्हित कर लिया गया है, जो अयाना थाना क्षेत्र के हसुलिया गांव के रहने वाले हैं। तहरीर के आधार पर मारपीट करने वाले चिन्हित युवकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।